पोहरी आगमन पर बोले पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ग्वालियर चंबल संभाग में सबसे ज़्यादा सीटें जीतेंगे। खबर पोहरी से आ रही है। ग्वालियर चंबल किसी का गढ़ नहीं है। सिंधिया जब ग्वालियर चंबल में थे तब कांग्रेस पार्टी ने अच्छी जीत हासिल की, जब वे चले गए तो कहने के लिए गढ़ हो गया। इस वर्ष 2023 के अंत में पता चल जाएगा कि ये कांग्रेस का गढ़ है या उनकी बपौती। ग्वालियर चंबल ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ माने जाने को लेकर यह टिप्पणी कांग्रेस के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने की। अजय सिंह बुधवार को दो दिन शिवपुरी के दौरे पर पहुंचे। यहां पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ग्वालियर चंबल संभाग में सबसे ज़्यादा सीटें जीतेगी। गुटबाजी के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस में पहले जैसी गुटबाजी नहीं है। पहले ग्वालियर अंचल में सिंधिया का एक गुट हुआ करता था और दूसरा मूल कांग्रेसियों का। आपको बता दें कि अब सिंधिया के जाने के बाद कांग्रेसियों में कोई गुटबाजी नहीं है। हाँ, किसी व्यक्तिगत पसंद या नापसंद हो सकती है। अजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस फूक फूक कर कदम रख रही है और अच्छे चरित्र वालों को ही टिकट दिया जाएगा। यहाँ पर परिवार के कुछ लोग अपने रिश्तेदारों को बचाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं रहेगा। उन्होंने सिंधिया पर अप्रत्यक्ष तौर पर निशाना साधते हुए कहा कि अब फिक्सर चले गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल सिंह ने दावा किया कि कांग्रेसी द्वारा पूरी रणनीति और जोरदारी के साथ शिवपुरी जिले की सभी विधानसभाओं चुनाव मैदान में उतरेंगे और जीत दर्ज करेंगे। पूरी से संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। ये किसी का गढ़ नहीं है। सिंधिया जी ग्वालियर चंबल में थे, कांग्रेस पार्टी ने अच्छी जीत हासिल की, चले गए इसलिए गढ़ हो गया। कहने के लिए 2023 के अंत में पता चल जाएगा कांग्रेस का गढ़ है कि उनकी बपौती है। अंग्रेजी में कहावत है वंस बिटिंग ट्वाइस शाय, खूब खूब के सबकी हम लोग देखेंगे और इस तरह से फिर से पुनरावृत्ति न हो। और जो पिछले दफे हुई तो वो तो अब यहाँ की कहानी है, पुरानी कहानी है, उसको कौन सी नहीं बात। अभी हम लोगों को कार्यकर्ता दगाबाजी में नहीं, किसके लिए अभी तो और आप अध्ययन करिए, पता लगा लीजिए आपको। मैं तो अध्ययन तो है, अनुभवी आदमी चाहिए। और जहाँ तक घोटाले की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब महाकाल मंदिर को नहीं छोड़ा तो और घोटाले क्या है। लोगों की कहानी बनी होगी, उतना मैं कोई शेर हूँ, शेर हो नहीं, मैं तो आलू को जहाँ भी फिट कर दूंगा। देखिए हर पार्टी में थोड़ा थोड़ा मतभेद मतभेद रहता है और खासतौर से चुनाव के समय ज्यादा उजागर होते हैं। लेकिन जो पहले की हालत थी कि लाइन खींची सिंधिया कांग्रेस और ब्रिटिश को कांग्रेस, वो अब नहीं है। कांग्रेस है, कोई विजय सिंह से खुश है, कोई भाटिया जी से खुश नहीं है, कोई हमसे खुश है, कोई शर्मा जी से खुश है, कोई अलग गुटबाजी नहीं। गुटबाजी यदि देखनी हो आज तो भारतीय जनता पार्टी एक गुट नरोत्तम मिश्रा का है, एक गुट कैलाश विजयवर्गीय का है, एक शिवराज का है और एक जो हटाए जा रहे हैं वीडी शर्मा जी का गुट है। वो कह रहे हैं सरफ मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, तुम्हें भी लेके जाऊंगा। ये हालत होगी। आप कैसे कह रहे हैं कि वो हटाए जा रहे हैं? चर्चा है, आप लोग बता रहे थे जो ग्वालियर अंचल में 34 सीटें हैं, उनमें से कितनी मांगते हैं आपके कांग्रेस की जीत की? 26 जितनी सीट जीती थी उससे एक सीट ज्यादा जीती गई, चाहे जितनी रही हो 26 रही हो 28 रही हो उससे एक सीट ज्यादा। 34 जीतेंगे मेरे को। शुरुआत की थी, शुरुआत की थी, वो मेरा तीसरा चुनाव था जी। जी मैं 85 में विधायक था जी, 90 में विधायक था, 93 के चुनाव में मैंने पटवा जी के खिलाफ लड़ा था, तीसरा चुनाव था। आप किस स्थिति में देखते हैं आप उस राहुल सिंह को? उम्र का तकाजा है, उस समय कम उम्र थी
और मुख्यमंत्री से लड़ने के लिए अपना छह छोड़ के आ गया था, लेकिन अब थोड़ा उम्र भी हो गई है, आप भी गुगलवाड़ा के हो, आपकी उम्र भी ज्यादा हो गई। मैं गया था गुगलवाड़ा इसलिए।